नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया। ताडोबा अंधारी नेशनल पार्क में आप सभी का स्वागत है। आज हम सफारी करने जा रहे हैं ताडोबा में, और आज का एक्सपीरियंस बहुत ही यूनिक होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ काफी सारे लोग हैं जो कि सफारी को एंजॉय करेंगे, और आज सफारी का एक्सपीरियंस पूरा कंप्लीट लाइव रहेगा। जो भी हमको एक्सपीरियंस होगा हम आपको एज इट इज दिखाएंगे, ताकि आपको घर बैठे ये फील हो कि आप खुद सफारी कर रहे हैं। वी लव ताडोबा नेशनल पार्क। तो हमारी सफारी की शुरुआत होती है मोहरली गेट से। सबसे पहले आपको अपना ऑनलाइन परमिट बुक करना होता है। कुछ इस तरह का ये परमिट आप प्रिंट आउट करके या फिर मोबाइल में लेके आएंगे सबसे पहले मोहरली गेट के जो ऑफिस बना हुआ है यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए। कुछ सुबह सुबह का ये नज़ारा है, कुछ इस तरह की लाइन लगती है जब आपको वेरीफाई कराना होता है अपना ये परमिट। वेरीफिकेशन के बाद आपको जो आपका सीट नंबर है, जो गाड़ी नंबर है, वो अलॉट कर दिया जाता है। तो अभी सुबह के 6 बज चुके हैं। हमारी सफारी का जो ड्यूरेशन है वो है 4 घंटे का। सुबह सुबह कुछ इस तरह से जिप्सियाँ आना शुरू हो जाती हैं, लाइन से कई सारी जिप्सीज आप देखेंगे। हमारी जो सफारी है आज की वो कैंटर सफारी है, और हमारा कैंटर भी आ चुका है। ये कैंटर का नंबर इस परमिट के अंदर लिख के दिया जाता है जब वेरीफिकेशन आप कराते हैं। तो हमें कैंटर अलॉट कर दिया गया है, और जो सीट्स हैं सीट्स के नंबर भी लिखे जाते हैं परमिट के साथ साथ। तो हमारी जो सीट्स है वो जस्ट फ्रंट रो वाली है। ताडोबा अंधारी नेशनल पार्क के अंदर मोबाइल फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। अगर आप किसी तरह से फ़ोटो वीडियो निकालना चाहते हैं तो आपको कैमरा ले जाना ज़रूरी है, क्योंकि अंदर मोबाइल ले जाना बिल्कुल भी प्रोहिबिटेड है। तो बाहर जस्ट गेट के बाहर कुछ इस तरह की शॉप्स लगी हुई हैं जहां पर आपको रेंटल कैमरा सर्विस मिलती है। सर थोड़ा सा आप बता देंगे कि क्या क्या चार्जेस रहते हैं इसके? 500 सबसे स्मॉल, ये 800, ये 1000, और ये अगर ये बड़े वाले लें तो 1500 का चार्ज। ये मेमोरी कार्ड वगैरह साथ में आप देते हैं? अच्छा, इसके प्राइजेस थोड़े वेरी कर सकते हैं? थोड़ा हो जाएंगे। तो मतलब ये जो प्राइजेज़ हैं ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन कुछ चार्जेस इस तरह से हैं कि छोटा से बड़ा, बड़ा से बड़ा, इस तरह से चार्जेस जो हैं बढ़ते जाते हैं। तो वो रेंटल कैमरा सर्विस भी आप ले सकते हैं। इस तरह से काफ़ी सारी शॉप्स हैं जिन पर आप रेंटल कैमरा ले सकते हैं अंदर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करने के लिए। एक और ख़ास बात ताडोबा अंधारी नेशनल पार्क के बारे में कि यहाँ मंगलवार यानी कि ट्यूसडे का अवकाश रहता है, यानी कि हॉलीडे होता है। तो हमारी सफारी की शुरुआत हो चुकी है। कैंटर के अंदर दो गाइड और एक ड्राइवर हैं बाकी टूरिस्ट के अलावा, और एक तो गाइड मैम है साथ में। मैम आपका नेम? गायत्री मैम है हमारे साथ, एक गाइड हूँ, और एक सर हैं जो अभी पीछे जस्ट परमिट चेक कर रहे हैं, और काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं, सभी एक्साइटेड हैं ताडोबा सफारी को लेकर के। फॉरेस्ट रूल के अनुसार ताडोबा नेशनल पार्क के अंदर मोबाइल फ़ोन लेना अलाउड नहीं है। तो मोबाइल फ़ोन्स को कुछ इस तरह के केस के अंदर रखा जाता है, और फिर आप सफारी कर सकते हैं, क्योंकि अंदर मोबाइल फ़ोन ले जाना अलाउड बिल्कुल नहीं है। स्पॉटेड डियर्स और उनके बच्चे। स्पॉटेड डियर्स बहुत डर के भाग गए। एरिया में जा रहे हो, फोर एरिया है 625 स्क्वायर किलोमीटर का, यहाँ पे टोटल टाइगर है 115 टाइगर है, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, ब्लैक बेयर, ब्लैक लेपर्ड भी दिखता है यहाँ पे। अच्छा, बगीरा। हाँ बगीरा। मैम तो जो टूरिज्म एरिया है 20%, उसमें टोटल कितने टाइगर की टेरिटरी? 10 या 15 टाइगर की ये हो सकता, बच्चों को पकड़ से हो सकती है। यहाँ पे सोनम बीच का ऑफिस है, उसका मेल टाइगर है जी। यहाँ पे पहले जैसे जो डोमिनेट मेल बजरंग था जी, वो दोनों मेल टाइगर में फाइट हुआ, बजरंग निकल गया, और यहाँ पे अभी दड़ियल करके मेल टाइगर है। अच्छा, तो आज हमारी मॉर्निंग सफारी है, और ये हो रहा है सनराइज। अभी सुबह सुबह का माहौल है, और सुबह के बज चुके हैं, अभी 6:20 हो गया है सुबह, और सफारी की जो टाइमिंग है सफारी का वो लगभग 6 से ही है। तो हम जंगल के अंदर चलते जा रहे हैं, काफ़ी एक्साइटिंग और काफ़ी ठंडा माहौल है। और मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा, अभी जो हम सफारी कर रहे हैं ये मंथ है अप्रैल 2023, और अप्रैल का महीना ऐसा होता है कि जब ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है, एक तरह से बीच का माहौल है। इसके बाद धीरे धीरे गर्मी बढ़ना शुरू होती है, लेकिन फिर भी ये जो जंगल है ताडोबा का वो है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। तो आप ये देख सकते हैं कि जंगल जो है वो सूखा हुआ है, ज़्यादा ग्रीनरी आपको नज़र नहीं आएगी पूरे जंगल के अंदर, क्योंकि जो पतझड़ का मौसम है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में 6 रहता है, और 6 ये पूरा फॉरेस्ट लश ग्रीन यानी कि ग्रीन कलर का होता है। पिकॉक है, वो डांस के मूड में है।
ताडोबा अंधारी नेशनल पार्क के अंदर दो स्लॉट्स के अंदर मोस्टली सफारी होती है, एक तो मॉर्निंग सफारी और एक इवनिंग सफारी। दोनों सफारी का ड्यूरेशन होता है 4 घंटे का, यानी कि 4 घंटे आप ये सफारी कर सकते हैं। सुबह की सफारी लगभग 6 बजे से 10 बजे तक होती है और जो शाम की सफारी होती है वो 2 बजे से 6 बजे के लगभग होती है। थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे हो सकता है सीजन वाइज। हर एक मेन टाइगर का एरिया होता है 40-50 किलोमीटर का। ये मेरा एरिया है जगाने के लिए, मेल मार्किंग किया है। ये जो पेड़ के ऊपर स्क्रैचेस हैं, इस तरह से टाइगर ने अपनी टेरिटरी मार्क की है। मैम टाइगर का नाम बताइएगा। दड़ियल करके है, छोटा दड़ियल। जंगल के अंदर जो भी टाइगर रहते हैं वो अपनी टेरिटरी बनाकर रहते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर टाइगर साइटिंग हो रही है, वहाँ पर टाइगर साइटिंग हो रही है। हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, सामने बहुत सारे कैंटर लगे हुए हैं, कैंटर जैसे यहाँ पर शायद टाइगर साइटिंग हो रही है। वो बांध है ना वहाँ पे सोके है, वो अभी लेट गया। बैटरी दिख रहा है ना वहाँ पे, फोकस करो कैमरे से। अच्छा वो जो लेटा हुआ वो है क्या? हाँ, सोया हुआ है वो। अच्छा बहुत दूर है वो, बहुत पावरफुल है। पूंछ लाइक है उसमें, खलन 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 दिखा आपको? हाँ वो लेटा अभी दिखने लगा। ये रहा, एक मिनट सर। ये जो टाइगर कैमरा से दिखा है थोड़ा जूम करके, काफी लेटा हुआ है उधर की साइड। ये रहा, देखो दिमाग नहीं जा, लेटा हुआ है। काफी सारे लोग टाइगर को देखते हुए। तो हमारी सफारी को अभी टाइम हो गया है 40 मिनट और हमारी सफारी की शुरुआत हुई थी सुबह 6 बजे से और सिर्फ 40 मिनट ही हुए हैं। हमें शुरुआत के 30 मिनट्स के अंदर टाइगर दिख गया है। अभी टाइगर लेटा हुआ है लेकिन जैसे वो खड़ा होगा अच्छे से हम उसे देख पाएंगे। काफ़ी सारी गाड़ियाँ लग चुकी है टाइगर को देखने के लिए। उठ गया। बहुत मोटा सा टाइगर है। 250 किलो वजन है मंडे। उधर से चलने लगा। बैठ गया ऊपर। बैठा हुआ है वहीं। हमारे पास लेंस में जूम ज्यादा नहीं है लेकिन काफी अच्छा देख पा रहा है। बहुत ज्यादा दूर से देख रहे हैं। काफी देर से हम टाइगर को देख रहे थे, वेट कर रहे थे और अभी 7 बज चुके हैं। सुबह 6 बजे से सफारी की शुरुआत हुई थी, 1 घंटा हो चुका है। हमें आधा घंटे के अंदर ही टाइगर दिखने की शुरुआत हो चुकी थी लेकिन टाइगर थोड़ी देर लेटा रहा, फिर वो उठा और अब बैठा हुआ है। काफी अच्छा लग रहा है पर टाइगर काफी दूर है तो जूम इतना अच्छा हो नहीं पा रहा, बट फिर भी टाइगर काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। सभी लोग टाइगर को देखते हुए काफ़ी एक्साइटेड है और टाइगर उठ गया, वो उधर जाने लग गया, उधर की साइड गया, नीचे की साइड, नीचे उतर चला गया। सभी लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं टाइगर को देखने के बाद, काफ़ी अच्छी साइटिंग हुई टाइगर की और बहुत सारे लोग थे हमारे कैंटर में भी। आपको कैसा लगा मैम? मुझे बहुत अच्छा लगा, पहले 20 मिनट्स में टाइगर का दर्शन हो गया, हम बहुत खुश हो गए। जी, थैंक यू। और काफ़ी सारी गाड़ियां आ चुकी थी यहां पर, आप लाइन से देख सकते हैं इतनी सारी गाड़ियां टाइगर को देखने आई थी, काफ़ी ज़्यादा खुश है। और ये ऑस्ट्रेलिया लेक था जहां पर टाइगर नजर आया। वहाँ पे क्रोकोडाइल है, वो रहा बड़ा सा। हाँ बड़ा सा, वो धूप सेकने के लिए बाहर निकलते हैं क्रोकोडाइल। हाँ। बास्तन के लिए किनारे आवा बघा। यहाँ पे बर्ड्स है, नाइट जार करके ये देखो जमीन के ऊपर लेटा है, बैठा है यहाँ पे, नाइट में एक्टिव रहता है, दिन में नहीं। अच्छा ये वाला नाइट जार, ये पत्थर से बैठा रहेगा दिन भर। अच्छा पत्थर जैसा दिख रहा है ये, पूरा कैमोफ्लेज हो गया। तो हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं जंगल में अंदर की ओर टाइगर की सर्च में, लेकिन बीच बीच में जो भी वाइल्ड एनिमल्स हमें दिखेंगे हम उन्हें भी अच्छे से देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे।
और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि जिस महीने में हम सफारी कर रहे हैं यह है अप्रैल का महीना, और अप्रैल के महीने में भी आप देख सकते हैं जंगल काफी सूख चुका है। इस जंगल में अधिकतर मात्रा में बैम्बू है, यानी कि बांस है, जो कि इस जंगल का लगभग 60-70% वेजिटेशन को कवर करता है। ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व को दो एरियाज के अंदर डिवाइड किया गया है, कोर जोन एरिया और बफर जोन एरिया, और इन दोनों एरियाज के 22 गेट्स हैं, 22 एंट्री गेट्स, यानी कि जिसमें कि 6 एंट्री गेट्स तो कोर जोन एरिया के हैं और बाकी 16 एंट्री गेट्स बफर जोन एरिया के हैं। ये हैं स्पॉटेड डियर्स। इस पेड़ पर हैं मोटेल्ड वुड आउल्स, जो कि बड़े साइज के उल्लू होते हैं। ये है एक इंडियन गौर, कई लोग इसे बाइसन कहते हैं, लेकिन ये बाइसन नहीं है, ये है एक इंडियन गौर जो कि वाइल्ड कैटल फैमिली से बिलोंग करता है। हमारी टाइगर की सर्च अभी जारी है क्योंकि सफारी का समय काफ़ी सारा बचा हुआ है, लेकिन जंगल में आगे बढ़ते हुए और अन्य वाइल्ड एनिमल्स को देखते हुए मैं अब आपको ताडोबा अंधारी नेशनल पार्क के नाम के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा। ताडोबा नाम की उत्पत्ति तारू नाम के ग्राम प्रमुख के नाम से की गई है। तारू गोंड आदिवासियों के एक ग्राम प्रमुख थे, यानी कि गोंड राजा भी हम उन्हें इस एरिया का कह सकते हैं, जो पुराने ज़माने में इस जंगल में आदिवासी लोग रहा करते थे, उनके ग्राम प्रमुख थे तारू। और एक बार की बात है जब तारू जो ग्राम प्रमुख थे उनकी एक बाघ के साथ मुठभेड़ हुई, और मुठभेड़ में वो या तो बाघ के द्वारा मारे गए या फिर उन्होंने बाघ को मार दिया। ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि वो तारू जो थे ग्राम प्रमुख वो बाघ के द्वारा मारे गए, और इस इंसिडेंट के बाद तारू लोक देवता की तरह गोंड आदिवासियों द्वारा पूजे जाने लगे। तो तारू के नाम से नाम पड़ा ताडोबा, और जो दूसरा वर्ड है अंधारी वो एक रिवर का नाम है जो कि इस फॉरेस्ट से बहकर निकलती है। पुराने टाइम पर ताडोबा नेशनल पार्क था, जिसे 1955 के अंदर नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, और जो अंधारी था वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, लेकिन 1993 के अंदर इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया और नाम पड़ा ताडोबा अंधारी नेशनल पार्क, या फिर ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। ये जो रोड आप देख रहे हैं ये पुराने ज़माने में गांव को कनेक्ट करता था, ये रोड लगभग 20 किलोमीटर का रोड है। मैम ने जैसे बताया कि 20 किलोमीटर का रोड है, अंदर पहले गांव हुआ करते थे, लेकिन अब गांव को शिफ्ट कर दिया गया है जंगल के अंदर, अब नहीं है। सफारी के दौरान ये एक रेस्टिंग पॉइंट है जहाँ पर आप उतर सकते हैं, और पहले यहाँ पर गांव हुआ करता था, यहाँ तक मुहरली रेंज चली थी, इसके बाद जो रेंज चलेगी वो है ताडोबा रेंज। आप इस बोर्ड पर देख सकते हैं जैसे कि ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि ताडोबा नेशनल पार्क लिखा हुआ है, जिसे 9 अप्रैल 1955 को जो नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। और हम जो जिस रेस्टिंग पॉइंट पर रुके हुए हैं ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आप वॉशरूम की सुविधा है, यहां पर पानी पीने की सुविधा है, 5 मिनट का ब्रेक होता है सफारी के दौरान, और फिर वापस से सफारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। हमारे साथ जो सेकंड गाइड है हमारे कैंटर के, सर आपका शुभ अपंडू गावत्रे, अपंडू गावत्रे सर हैं, और गायत्री मैम है साथ में जी। हाँ, तो एक कैंटर में दो गाइड्स होते हैं। हाँ, दो गाइड्स होते हैं फिलहाल, अच्छा। एक आगे रहता है और एक पीछे रहता है। अच्छा, तो अभी हमारी सफारी को लगभग 2 घंटा हो चुका है, अभी 8 बजे हुए हैं, और इस 2 घंटे में हमने सफारी में बहुत ज्यादा एंजॉय किया, क्योंकि टाइगर हमें दिखा, हमें हिरन दिखे अलग अलग प्रकार के, आउल दिखा, क्रोकोडाइल्स दिखे, लेकिन अभी सफारी का 2 घंटा बाकी है और अब हम ऐसे रेंज पर जाते जा रहे हैं, यानी कि ताडोबा जंगल में एक ऐसी जगह पर जाते जा रहे हैं जहाँ पर टाइगर और लेपर्ड के दिखने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं।
जंगल में कुछ डिस्टेंस पार करके अब हम पहुंच चुके हैं ताडोबा लेक, जहां पर कई सारे सांभर डियर नज़र आ रहे हैं। और ये लेक एक नेचुरल लेक है, यानी कि इसे आर्टिफिशियली बनाया नहीं गया है। और इस लेक की एक और ख़ास बात कि इसमें कई सारे क्रोकोडाइल्स यानी कि मगरमच्छ हैं, लेकिन मगरमच्छ होने के बावजूद यहाँ सांभर डियर काफ़ी मात्रा में नज़र आ रहे हैं। इस लेक के बारे में एक इम्पॉर्टेंट जानकारी, स्विमिंग टोटली प्रोहिबिटेड, क्योंकि यहाँ तैरना बिल्कुल अलाउड नहीं है क्योंकि क्रोकोडाइल्स हैं पानी के अंदर। ताड़ोबा टेम्पल है, जो ताड़ोबा जंगल का नाम रखा है, ये मंदिर के ऊपर से ही रखा है। ये आदिवासी गोंड राजा तरुबा करके, वो टाइगर फाइटिंग में मारा गया था गोंड राजा, उसका टेम्पल बनाया गया है आदिवासी लोगों ने। कुछ साल के बाद अपने इंडिया में जो इंग्रज आए थे उसको तरुबा करके बोला नहीं आता था ना, इसलिए तरुबा से ताड़ोबा किया, ताड़ोबा बोले अंग्रेजों की वजह से। और इस स्थान का डिस्टेंस मोहारली गेट से, जहां से हमारी सफारी स्टार्ट हुई थी, वहां से लगभग 19 किलोमीटर का है। और अब हम धीरे धीरे चलते जा रहे हैं ताडोबा लेक के किनारे, और कई सारे क्रोकोडाइल्स नज़र आ रहे हैं। ताडोबा लेक के आसपास क्रोकोडाइल्स के अलावा और भी कई सारे वाइल्ड एनिमल्स नज़र आ रहे हैं। अब इन वाइल्ड एनिमल्स को देखते देखते मैं आपके साथ कुछ ज़रूरी जानकारी शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ कि कैंटर सफारी ताडोबा नेशनल पार्क के सिर्फ मोहरली जोन में ही होती है, यानी कि ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व का एक ही ऐसा जोन है जिसका नाम है मोहरली जोन, वहीं पर आप कैंटर सफारी कर सकते हैं। और कैंटर सफारी का जो चार्ज लगता है वो अप्रोक्सीमेटली 500 रुपये के आसपास लगता है, यानी कि 500 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज लगता है कैंटर सफारी का, जिसका ड्यूरेशन होता है लगभग 4 घंटे का, यानी कि ये 4 घंटे की सफारी होती है। 500 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से कॉस्ट लगता है, लेकिन अगर आप किसी तरह का कैमरा अंदर लेकर जाते हैं, चाहे आप एक कैमरा ले जाएं, दो ले जाएं, उसके हिसाब से आपके चार्ज लगते हैं। पर कैमरा का 250 रुपये आपको चार्ज लगता है। अगर आप एक कैमरा ले जा रहे हैं तो 250 रुपये, दो ले जा रहे हैं तो 500 रुपये, इसकी अलग से स्लिप कटती है जो आप विंडो पर भी कटवा सकते हैं। और ऑनलाइन बुकिंग जब आप टिकट की करते हैं उस टाइम भी एक ऑप्शन मिलता है, तब भी आप कैमरा का ऑप्शन चूज़ करके ऑनलाइन भी इसका टिकट कटवा सकते हैं। ये जो फूल अभी आप देख रहे हैं ये है महाराष्ट्र का राष्ट्रीय फूल जिसका नाम है जारुल फ्लावर्स। ये वाला गोश्त भी है, रात में चमकता है और सीजन वाइज कलर चेंज करता है। समर में व्हाइट कलर आएगा, विंटर में ग्रीन कलर और मानसून में रेड कलर आएगा, और मूनलाइट में शाइन करता है ना, इसलिए गोष्ठी मराठी में करो कि करो। हाँ हाँ, आगे में दिखता है पूरा व्हाइट। एक बार सांभर डियर ऑन रोड, टाइगर साइटिंग हो रही है दोबारा से, वापस से ताडोबा के अंदर हम टाइगर साइटिंग करने जा रहे हैं। बहुत सारी जिप्सीज और गाड़ियां लग चुकी हैं, काफी एक्साइटेड है। दोबारा आंटी दोबारा देखे जा रहे हैं, दोबारा टाइगर, दोबारा टाइगर। हाँ, यहाँ पर देखिए आप काफी सारी जिप्सीज लग चुकी है पानी में। वो रहा टाइगर, वो रहा वो रहा वो रहा टाइगर, बहुत हीटेड होता है ना। हाँ, मेरा टाइगर पानी में बैठा, मेल टाइगर है, कानावर बसला नाही मॅडम, त्याच्या कानावर प्रत्येक वाघाच्या कानावर टिपके राहतात, व्हाइट व्हाइट। अच्छा, रुद्रा नाम है इसका, क्या रुद्रा है का? मागे 21 महिना झाला, मेल टाइगरचं नाही घेतलं, टाइगर बहुत दूर से देख रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कितना दूर से, ये देखिए इतना दूर है ये टाइगर, और हम इसको यहाँ देख रहे हैं इस तरह, आप देख सकते हैं। एक फीमेल, अगर मेट चालू होते तिच्या सोबत, ओके, एवढा दुख तिला कब सो होता त्या दुसऱ्या मेल चालू याना मारून टाकलं रुद्रा टाइगर तयार झाला। सभी लोग काफी खुश है, दूसरी बार टाइगर देख रहे हम।
काफी सारे जिप्सीज, काफी सारे गाड़ियां यहाँ पर लग चुकी है टाइगर को देखने के लिए, आप देख सकते हैं। पानी में बैठा हुआ टाइगर हेल्थ कशी त्याच्या हिशोबाने हेल्थी राहते तुम्ही, हो फीमेल थोडीशी नॉर्मल जे मग फीमेल तुम्हाला वाटत आणि फेस मोठा राहते, फेस मोठा तुम्ही क्या ऑन करा उसमें तो काफी लोग खुश हैं टाइगर को देखते हुए और एक्साइटेड फील कर रहे हैं। ये हमारे ड्राइवर सर हैं। सर आपका नाम? आनंद सर हैं। आनंद सर हैं जो कि ड्राइवर हैं हमारे साथ आज, और ये तो मैम हैं साथ में। धीरे धीरे करके जिप्सीज और यहाँ पर आती जा रही हैं सीफ स्पॉट के पास में, कई सारे फोटोग्राफर्स अपने फोकस जमाते हुए देख रहे हैं कई सारे जिप्सीज। ताडोबा में टाइगर साइटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके बता सकता हूँ। हमने कई सारे नेशनल पार्क्स के अंदर सफारी की है। जब मैं ताडोबा आने वाला था मुझे ऐसा लगा कि जैसे मोबाइल्स वगैरह भी रखवा देते हैं, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट माहौल होगा यहाँ पे, स्ट्रिक्ट होगा सब कुछ, लेकिन यहाँ के जो गाइड हैं बहुत ज़्यादा अच्छे नेचर के साथ हैं, हेल्पफुल हैं और पूरी तरह से गाइड करते हैं हर एक स्पॉट पे। अगर आपको कोई बर्ड भी दिख रहा है तो उस बर्ड के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो मैम भी हमारे साथ बहुत अच्छी हैं और सर भी बहुत अच्छे से बता रहे हैं हर चीज़, मतलब हमें जो एक्सपीरियंस हो रहा है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है, क्योंकि आपका नेचर वाकई में अच्छा है और आप जो बता रहे हैं हर एक चीज़ को काफ़ी अच्छी है। तो आप भी ताडोबा आते हैं तो काफ़ी अच्छा गाइड एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ताडोबा अंधारी नेशनल पार्क की लोकेशन के बारे में, कि ताडोबा अंधारी नेशनल पार्क स्थित है महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि महाराष्ट्र जो है उसका एक डिस्ट्रिक्ट है चंद्रपुर, उसके अंदर ये पड़ता है। और अगर इस पार्क की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बात करें, अगर मोहरली जोन की, तो चंद्रपुर रेलवे स्टेशन से इसका डिस्टेंस है लगभग 30 किलोमीटर का, जो कि एक जंगल वाला रास्ता है जिसे क्रॉस करके आपको यहाँ तक आना होता है। और लोकेशन से जुड़ी एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी कि चंद्रपुर का डिस्टेंस नागपुर से लगभग 150 किलोमीटर का है, और आप कहीं पर भी रहते हो सबसे पहले आपको पहुंचना है नागपुर। नागपुर आप बाय फ्लाइट से भी पहुंच सकते हैं, रेल से भी पहुंच सकते हैं और बस से भी, जैसा आप चाहें, सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। और 150 किलोमीटर आपको पार करना होता है चंद्रपुर पहुँचने के लिए। तो अगर आप ताडोबा नेशनल पार्क के अंदर सफारी करना चाहते हैं, यहाँ पर आने का प्लान बना रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि कैसे आप टिकट बुकिंग कर सकते हैं, यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं, किस तरह के होटल फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल है, किस तरह का फूड अवेलेबल है, ये सारी जानकारी हमने एक सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड की है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को जाकर ज़रूर देखिए। मैम ये टोटल जो सफारी होती है वो कितने किलोमीटर की होती है? लगभग 60-70 किलोमीटर। 60-70 तो ज्यादा भी होता है कभी भी टाइगर दिखने पर। अच्छा, इतने टाइम लेते हैं ज्यादा, मतलब लगभग 30-35 किलो के ऊपर डिपेंड है। अच्छा, लगभग अच्छा 80-90 किलोमीटर, मतलब 40 के लगभग तो जाना और 40 के लगभग आना, कंटिन्यूस चलता रहता है, 80 के आसपास जाता है। अच्छा अच्छा, एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ताडोबा अंधारी नेशनल पार्क के लिए जब आप सफारी टिकट बुक करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा लगेगा कि बुकिंग बहुत ज़्यादा है, दो दो तीन तीन महीने तक की बुकिंग एडवांस में ऑलरेडी होती है,
जैसे कि अगर आप जिप्सी बुक करने जाते हैं तो आपको 2 महीने बाद का बुक करना पड़ता है लगभग। और जो ये कैंटर सफारी, उसका एक बेनिफिट है कि हर 2 हफ्ते के लिए ये स्लॉट खुलता है, तो आप हर 2 हफ्ते से पहले, यानी जैसे कि 14 दिन है तो 14 दिन के जस्ट 1 दिन पहले बैठकर सफारी बुक कर सकते हैं। उसका भी एक तरीका है और वो भी बहुत जल्दी सीटें भर जाती हैं। तो वो तरीका क्या है, कैसे आप बुक कर सकते हैं आसानी से, हमने एक सेपरेट वीडियो में बताया, उस वीडियो को ज़रूर जाकर देखिए। मॉनिटर लिजर्ड थोड़ा आगे ले लो, बॉयली बोलते हैं इसको हिंदी भाषा। तो अब जिस गेट से हमने प्रवेश किया था वो गेट वापस से आ चुका है, हमारी सफारी का समय समाप्त होने को आया है, 10 बज चुके हैं और अब हम इसी गेट से वापस निकलेंगे जिस गेट से हमने प्रवेश किया था। तो ये थी हमारी सफारी ताडोबा अंधारी नेशनल पार्क के मोहरली जोन की। काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफी अच्छी एक्साइटिंग हुई और हमें काफी मजा आया। आपको एक्सपीरियंस कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें।